हेलमेट उतार हेलमेट ये दो। रिपीट की दीजिए ना टैंट राजबानी खेड़ी रे अफाड़ी भोंगियो पासो मार मने कूटियो किन कूटियो सगा ना राजबान भीमान देवान जेठा बड़े की होयो बड़े तो पासो राजबान उल्टो मुगिद मुगिदो हमा पंच मारे के पंच पंच में कह रहा मारे में तो हम अगुटे ने उल्टो मोगी दो मोगी दो हमारे मट्टी को जो तो की थी हमारे कोई नहीं तो कोई मट्टी को जन तो न कोई पीजा तो ये बेवा गया दाल रोटी दी बेवा जाओ गाने तो दाल रोटी दिए इसे नन्ना तो मिले कोई नहीं पच्चे वो की बड़े पसे तो कहाँ की तो कहाँ आ की तो उल्टा मुक्त मौके समाज मान की क्यों की तो के आज मानी मर्दिक भोजन के बनायो मर्दिक भोजन उठे तो कुछ पर समाज में बहिष्कृत करने आरोप है थोड़ा माते वो आरोप है थे पंच जो के थोड़े थे समाज उगन बारे काट दिया मैं तो कोई पंच और कोई बीजा मैं तो काट दिया कोई नहीं कोई कागज लेके वन कोई बाहर काटिया माने तो जाया ही पर जाया कोई मारा साइन नहीं कोई भी जाए तो हम थे आज 8-12 मिनट की क्यों मिलने की कराया एस बी ओ मरवाया सर कार्रवाई नहीं हुई जरा मारे कूटिया हुआ इन पास उल्टो मोगी दो मोगी दो एस पी साहब की गए एस पी साहब क्यों गए ना एड़ा मारिया क्यों नहीं गए कार्रवाई हुई हम की गए एस पी साहब के सरकारी करो कार्रवाई कर जाँच कर कि और वो मैसेज में गया जिन्हें झूठा माना मुझे तो पता आया कि भाई एक मूर्ति न तो मैं मूर्ति भोज गया नहीं बात चाय पानी पी थी हाँ कंधला पड़ोसी और भाई बहन बेटी वो आया वो साह पीन हुआ था इन झूठा क्या माना घर नहीं आना मारा झूठा कागज न तो मैं झूठा कागज लिखे आया न मैं उन्हें पजाया ये ना कूट मार के उन्हें बजे मना हेंगे बड़ा गलत ना लिखे मैंने बजाने कोशिश करे वो क्यों लिखन पजाया झूठा झूठा लिखे था न कह के आपने के समाज ने हमने के अलग कर दिया न तो को अलग है सबर घरे जाए पानी बीजा पिए कोई राम राम करे सबर हेंगे साथे बे कोई विरोधी है नहीं वो मारा माता आरोप भी लगे कि भाई ये ने लिखी आए ना कि मैंने के बारे किया कैडा बारे किया मैं तो बारे को किया इनको बात कह रहा घर कोई बारे नहीं है कोई दारू पी ले गलत बोले आत्मा नहीं सजे तो नहीं बदलाव नहीं आवे सा आई बात है बीजू कई बात है एस पी साहब मिले की गए एस पी साहब कहो कि भाई आपकी कार्रवाई यूँ के झूठा बजावे तो मैं कार्रवाई करूँगा। देखिए दिनांक 22 फरवरी को दो पक्षों के बीच मारपीट, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को मारा पीटा और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। 25 को जो पीड़ित पक्ष था पहले वाले केस में उसके यहाँ पे मृत्यु भोज का आयोजन था, जिस पर जो मुलजिम पक्ष है पहले केस का उसने शिकायत की, कानूनी कार्रवाई हुई, नोटिस दिया गया उनको, तब उन्होंने पंचायत बुला करके उसको जाति बहिष्कृत कराया, जिसका एक प्रकरण दर्ज हुआ। तो इसमें दो प्रकरण है, एक वो प्रकरण जिसमें जो पीड़ित है उसको पंचों द्वारा जाति से बाहर किया गया वो है, एक प्रकरण वो है जो पीड़ित जो इस केस का है उसने एक व्यक्ति की पिटाई की जिसमें वो आरोपी पक्ष है। अभी दोनों ही प्रकरण पेंडिंग है और इसमें प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए हमने दोनों प्रकरणों का अनुसंधान DYSP गुड़ामलानी को दे दिया है। अब एक स्वतंत्र जाँच हो जाएगी दोनों प्रकरणों में और मेरिट्स पर इनका निस्तारण करेंगे। सर पीटा गया बहुत बुरी तरह से जी, अभी उन्होंने दिखाया कि मुकदमा दर्ज है, मारपीट की धाराओं में है, उनके शरीर पे चोटें भी हैं, तो जो भी मेडिकल ओपिनियन ले लेंगे, जो भी उचित धाराएं बनती होगी उसमें उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।